देखिए, मैं गए 2-3 दिन यही पढ़ रहा हूँ, यही तुम्हारे सभी चैनल पे देख रहा हूँ कि बेलगाम कॉरपोरेशन ने जो 20 करोड़ रुपए आज कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक देना जो चाहिए वो देना ही पड़ेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि इनके गलती के वजह से ये हुआ है। 2021 साल में जब कमिश्नर ने स्मार्ट सिटी को एनओसी लेटर देते हैं कि तुम्हें मास्टर प्लान करो या एक्विजिशन करो, ये हमारे को डिटेल नहीं मालूम। ये एनओसी देने के बाद ये रोड हो गया 2022 में कंप्लीट। 2021 में इन्होंने लेटर देते हैं, 2000 में ये हुआ, रोड तैयार हो गया। उसके बाद में एक कोर्ट में चल रहा है, ये किसी को मालूम ही नहीं। लेकिन मैं इसके बारे में मैं ये पूछता हूं, जब काउंसिल एग्जिस्टेंस में नहीं है, जब काउंसिल जब नहीं था तो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है। एडमिनिस्ट्रेटर वो मेयर भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम जो रहता है वो डीसी रहे होंगे या रीजनल कमिश्नर रहे होंगे, उन्होंने मेयर भी हो सकते हैं, डिप्टी मेयर भी हो सकते हैं, स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन भी हो सकते हैं, कॉरपोरेटर भी हो सकते हैं। उन्होंने जो डिसीजन लेते हैं, उन्होंने जो ठराव पास करते हैं, उसका इंप्लीमेंट करने का काम कमिश्नर का रहता है। विदाउट द रेजोल्यूशन करोड़ों से नहीं लाखों में है, 10 लाख के ऊपर जो भी टेंडर रहा है, 5 लाख के हम पर अभी कितने हैं मालूम नहीं, उसके ऊपर पैसा कुछ भी खर्चा रहा हो तो काउंसिल हैज टू गिव द परमिशन, उसके रेजोल्यूशन होना, उतना बजट प्रोविजन रहना, ये सब कुछ। ये कुछ नहीं, सो 2021 में एनओसी कॉरपोरेशन कमिश्नर ने दिया है और वो स्मार्ट सिटी को गया, उनके मुताबिक उन्होंने करे। जो एनओसी लेटर पढ़ने के बाद उसमें मेरे को इतना डाउट आ रहा है, रोड करने के लिए दिया है क्या, मास्टर प्लान करने के लिए दिया है क्या, वो एक्विशन करने के लिए दिए? तुम्हें एक बार स्मार्ट सिटी को देने के बाद एनओसी, उन्होंने रोड बनाए, उन्होंने एक्विशन करे, उन्होंने कहां से रोड मारने का उन्होंने तय करें, कॉरपोरेशन का कोई संबंध ही नहीं है क्या इसमें? तो फिर कॉरपोरेशन देने का सवाल क्या है? तुम स्मार्ट सिटी में थे, तुम देना। वैसा कोई कल बोला नहीं, बोले स्मार्ट सिटी करना बोल के, लेकिन ये बोलना था, वो जो लेटर है उसके मुताबिक उसको जाना था। लेकिन काउंसिल का यानी एडमिनिस्ट्रेटर का परमिशन ले बिना कमिश्नर लेटर देता ही कैसा? कमिश्नर को कॉरपोरेशन का प्रॉपर्टी, कौन सा भी दुकान या रोड पे लगाते हैं, वो 1 साल 3 साल तक है उनको, काउंसिल को 5 साल तक है। ये सभी रहने के भी, ये रूल रहने के बावजूद भी इन्हों इतना बड़ा एनओसी का, और स्मार्ट सिटी उसमें क्या बोलती है, जागा हमारे को हैंडओवर करे, जागा हैंडओवर करे कौन करे, कैसा हुआ? फिर बाद में एक्विजिशन को डालते। देखो जी, वहां पर बोलना था लेटर, तुम किस आधार पे, उन्होंने एनओसी दिए बोल बाद में, तुम किस आधार पे ये इतना घर तोड़े, करे कौन? ये तोड़ने का काम रोड करने का तुम्हारे को उतना ही देते क्या? नहीं, रोड करने का था, तुम ये तोड़ने वाले कौन थे? कॉरपोरेशन तोड़ा क्या? कॉरपोरेशन नहीं तोड़ी। फिर ये कौन करने लगाया? ये जो तोड़ने का काम है ये जो है, दोनों उन्हों करे तो फिर उन्हों कॉम्पेंसेशन देना ना, इन्होंने दे जी, इन्होंने किस लिए दे? रोड के लिए दे दे, ऐसा मैं समझता हूं। क्या तोड़ने के लिए उनको दिए तो फिर कॉम्पेंसेशन भी उसमें ही आया होगा ना, तुम्हें एस्टिमेट करने से गलत करें, तुम्हें जो बजट प्रोविजन करके वो उसमें करने का था, वो तोड़ रहे थे तो उनको एक बार एनओसी दिए, इसका मतलब यह है कि स्मार्ट सिटी पूरा करना है, ऐसा ही होता है ना, तो फिर वो नहीं करे। लेकिन कल जो काउंसिल मीटिंग में हुआ, जो रूलिंग पार्टी ये सोच रही थी उसको कब पास करे, मेरे को प्रॉपर प्लानिंग तो इसमें लगता ही नहीं साहब, प्लानिंग व्लानिंग कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि किसका मंशा क्या है हम बोल नहीं सकते। देखिए जी, कोई जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो एमएलए होने दो या को नहीं होने,
मैं भी एमएलए था, मैं भी हजार बोलता हूँ सबको, तुम ये करो मेरा काम होना च मांगता है, बोले तो आप करने वाले क्या? सोच समझ के काम करना पड़ता है कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर या कमिश्नर को। ऐसा कोई नहीं है कि मैं यही पूछ रहा हूं, कोई किसका ना रेजोल्यूशन ना काउंसिल का ना एडमिनिस्ट्रेटर का रहे बिना ये कॉर्पोरेशन कमिश्नर कैसा दे सकता है। और ये हैरान की बात तो ये है, मैं जब कॉर्पोरेशन में था, मैं जब एमएलए था, जब वो रोड शाहपुर का सराफ कट्टा हम जो मास्टर प्लान कर रहे थे, तब वहां से बैंक ऑफ इंडिया से ऐसा सीधा वहां पर भंगी पैसेज है हसूर के पीछे बाजे से वहां धारोल रोड के मंदिर जो झाड़ है ना वो मंदिर तक, वो ऐसा सीधा लेके जाने बिना ऐसा आड़ा क्यों गए? मैं यही पूछ रहा हूं। आड़ा जाके 25 एक बीटी पाटिल उनका 25 घंटा जगह लेने की क्या जरूरत थी? तो इसमें कहीं जाति दुश्मनी तो नहीं निकाली गई? किनका जाति? मतलब जो सियासी लीडरान है वहां पर, क्योंकि आप जैसा बता रहे कि सीधा जाने के बजाय टेढ़ा जाने की जरूरत क्या? ये टेढ़ा जाने के बदले भी टेढ़ा से पैसा भरना ही पड़ेगा इनको। हाँ। ये यही हुआ है 15-20 दिन के पहले आपके वाहिनी में और पेपर में पढ़े, सो मैं बोल रहा हूं कि कई फंड गवर्नमेंट से आया है, सो पैसा आधा आधा बांटने के लिए, वो हमारे को इतना चाहिए हमारे को इतना चाहिए बोलने वाले, वो पैसा तो मिलते क्या? देखो वो जो 50 करोड़ आए, सो 50% रूलिंग पार्टी वाले 50% इनो लेने का तय हुआ था काउंसिल मीटिंग में, वो तो पैसा रहेगा क्या? वो तो डेवलपमेंट हुएगा क्या? उसमें से अभी 20 करोड़ गए तो रहा कितना? 35 करोड़ उनके पास शिल्लक है बोलते हैं, उसमें से 5 करोड़ कमिश्नर जवाब देता है कि मिस्टर पटवेगर एंड धोनी साहब ने एक क्वेश्चन करते हैं, मैं लाइव देख रहा था, वो क्वेश्चन करते हैं इतना पैसे देने के बाद जो बचता है उसमें मेरा डेवलपमेंट काम होगा क्या? हमारे वार्ड का कल डेवलपमेंट है, कमिश्नर उनको जवाब देते हैं कि तुम्हारा डेवलपमेंट काम होता है क्या जी? ये तरीका है डाले ना उनको प्रेशर डाल को, आप पढ़े नहीं होंगे, आप देखे होंगे, आप ही के इसमें मैं देखता हो रहता हूं कि वो ऐसा ये जो कॉर्पोरेटर उनको बताए कि कॉर्पोरेशन डिसॉल्व होगा, कुछ संबंध नहीं कुछ नहीं इनको, पर ये जो डिसॉल्व होने का कहां आता है जी? क्वेश्चन कहां आता है डिसॉल्व? इनो कुछ करे तो डिसॉल्व होने वाला ना, इनो कुछ करे नहीं, करने वाले उनो थे, इनो आ बैल मार मुझे बोल के वो सभी ले को पड़े। मैं पूछता हूं उनके पास वो कॉर्पोरेशन कमिश्नर या इनको समझना चाहिए था कि जो जॉब देते हैं इतना पैसा कहां से लेंगे? आज मैं वो उन्हों कैसा भी बेच के देने ना देने ही पड़ेगा, लेकिन मैं पूछता हूं आने वाले 3 साल में 3-3.5 साल जो बचे हैं इस काउंसिल के, ये कॉर्पोरेटर कैसे डेवलपमेंट करने वाले? बेलगाम शहर के लोगों का क्या हालत होगा 150 करोड़ रुपए देने के बाद, जब बजट में ही प्रोविजन नहीं है, बजट में 20 करोड़ प्रोविजन नहीं है। एक्ट क्या कहता है, जो बजट में प्रोविजन के ऊपर 500 रुपए भी ज्यादा हुआ तो काउंसिल को आना चाहिए। इन्हें 20 करोड़ का बजट प्रोविजन नहीं, सो टरो पास करेंगे कान का कैसा होता है? इज इट नॉट इलीगल? तो कमिश्नर कैसा लेके आया ये काउंसिल को, और कैसा मेयर लेके आए, और कैसा ये रूलिंग पार्टी इसको पास करने में पड़ी थी, और कैसा हमारे विरोध पक्ष हमारे कांग्रेस के कैसा चुप बैठे? क्यों चुप बैठे? तुम पास नहीं करने का था जे चुप, तुम विरोध करे तो तुम भी उनके ऊपर जाता था। आज बेलगाम तुम्हें एक सभी जने मिल को पास करने के बाद लोगों को क्या शक नहीं आता? अभी कुछ नहीं कर सकते इनो, जो अपोजिशन पार्टी इनो चुप बैठने का था, विरोध करके चुप बैठने का था,
एटलीस्ट लोगों को तो मालूम पड़ता था ना ये रूलिंग पार्टी अपने से कर लिए बोल के, इन्हों क्यों इनका क्या मकसद है डिसॉल्व करने का सवाल ही नहीं आता इनको, वो उस रास्ते पे जाना नहीं, उस रास्ते का नाम लेके इन्हों क्या करने वाले हैं, इन्हों क्या करे अभी। मैं पढ़ा हूं सब, लेकिन ये इसके बारे में ज्यादा उनको ही मालूम होगा क्यों चुप बैठे, ये उनको ही पूछो तो बहुत बेहतर। क्यों मिलने गए वो सब? वो हो सकता है उनका खुद का पर्सनल काम हो, मैं वो सब्जेक्ट ही लेता नहीं था, सीधा बोलता हूं मैं, सीधा लेता नहीं था, सीधा गवर्नमेंट को लिखता था, इन्हों एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड में ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुए सो इन्होंने लेटर लिखे हैं, हम कैसा काउंसिल को लेना, काउंसिल इसको कुछ संबंध नहीं, हम वो सब्जेक्ट नहीं लेते थे एज ए मेयर। आज मेयर होने के बाद जो मेरे को संबंध नहीं वो चीज लाके मेरे साथ थर पे वो तो मैं क्यों ले उसको। मैं वही पूछता हूं, जिस इरादे से तुम कॉर्पोरेटर को चुन के लाए, 150 करोड़ 163 बोल रहे हो, 163 करोड़ अभी 20 करोड़ के लिए मारामारी चली है, 163 करोड़ देने का आया समझो, वो कल कितना 163 आएगा 100 करोड़ आएंगे कहां से लाने वाले, 3 साल में 100 करोड़ बजट कितना है साहब, हर साल पूरा बजट इसको डाले तो भी तुम्हारे को डेवलपमेंट कहां से आने वाला। देखो इसलिए बोल रहा हूं, कमिश्नर जो आते हैं कॉर्पोरेशन को 2 साल के लिए आते हैं, द पीरियड ऑफ कमिश्नर इज 2 ईयर, देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन इन द एक्ट, द कमिश्नर जो आते हैं 2 साल के लिए आते हैं, उन्होंने अपना भुट्टा भुन लेते हैं जाते हैं। वही तो बोलता हूँ सरचार्ज, ये देखिए देखिए यही तो बोल रहा हूँ, इसलिए देयर इज अ प्रोविजन इन द एक्ट, जो भी कमिश्नर हो तत्सम अधिकारी जो भी जितने भी हो जो कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी को लॉस करे तो उनके ऊपर सरचार्ज लाने का प्रोविजन है। सरचार्ज उनका पेंशन हो उनका सैलरी हो ऐसा नहीं है, नहीं सो सभी लेने के लिए गवर्नमेंट को पावर से वो रीएम्बर्समेंट कॉर्पोरेशन करने के लिए पावर से वो रेजोल्यूशन ये काउंसिल करना चाहिए था।